वेलकम टू MR क्लासेस। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर नया वाला जो NCERT का जो बुक है आपका, ठीक है, उससे सॉल्व करा दो पूरा NCERT। तो नया वाले बुक, पुराना वाला बुक ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करा दिया, जाके देख सकते हो। अब वो देखने का फायदा होता है नहीं आपको, ठीक है, तो उसको तो देखना ही मतलब, ठीक है। अब नया वाला जो बुक है आपका, ठीक है, नए वाले बुक जो आपको पढ़ना है वही सिलेबस है आपका, तो नया वाला बुक खरीद लो और मैं आपको पूरा नया वाला बुक सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, वहाँ से सारे प्लेलिस्ट में आपको सारा चैप्टर, सारा एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। रियल नंबर आपका क्या है? रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 है आपका। क्या पढ़ेंगे इसमें हम, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पढ़ेंगे इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.2 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 है जो हमारा, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1.1 सबसे पहले पढ़ेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, 1.1 समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट, इसका एग्जांपल वगैरह सब हम इसको मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं 1.1 का, फिर उसके बाद सॉल्व करना सिखाऊंगा एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है आपका, देखो यहाँ पर नोट्स भी आपको मिल जाएगा PDF के फॉर्म में, जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने हैंडराइटिंग नोट्स बना रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का, जो भी आपका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपका, पूरा सोल्यूशन आपका, पूरा आपको कमेंट बॉक्स में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसको बोलते हैं, यही आपका कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी कि जितना भी आपका कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टराइज फॉर्म में एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्राइम नंबर में उसको तोड़ना है, एंड दिस इज अ फैक्टराइजेशन यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच ऑफ द प्राइम फैक्टर अकर्स। यानी कि कहने का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी आपका कंपोजिट नंबर है, तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, दो कंपोजिट नंबर ले लिया है, ठीक है। इसको हमको किस में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में, यानी कि प्राइम नंबर में इसको काटना है और इसको प्राइम नंबर में प्रोडक्ट के फॉर्म, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। साथ ही साथ जो फैक्टराइजेशन है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखकर आपको बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये क्या कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये आपको कंपोजिट नंबर पढ़ने के पहले मैं आपको प्राइम नंबर बताता हूँ। क्या बताता हूँ? प्राइम नंबर, उसके बाद कंपोजिट नंबर बताऊंगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ओनली टू फैक्टर, वन एंड इट्सेल्फ, यानी कि सिर्फ कोई सा भी नंबर हो आपका, सिर्फ दो फैक्टर हो, यानी कि एक से कटे और खुद की संख्या से कटे, वो आपका क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। क्या होता है आपका? प्राइम नंबर। तो मान लो ये आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने प्राइम नंबर लिख रखा है। कोई सा भी नंबर उठाओ, 11 उठाओ, तो 11 आपका किससे कटेगा? आपका एक से कटेगा और किससे कटेगा? आपको खुद की संख्या से 11 से, यानी कि क्या आ गया आपको? दो फैक्टर हो गया, और दो फैक्टर का एक से कटा और खुद की संख्या से, और किसी का संख्या से कटेगा ही नहीं आपका, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 10 से, ये किसी से भी नहीं कटेगा। 19 उठाओगे तो 19 भी आपका किससे कटेगा? एक से कटेगा और खुद की संख्या से कटेगा। तो एक से कटेगा और खुद की संख्या से कटेगा, तो वो आपका क्या होता है? वो प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर आपने समझ लिया। अब आता है आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। ओके, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन टू फैक्टर, यानी कि एक से अधिक फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर या सिर्फ फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल के 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 20 ऐसे .. एटसेट्रा कर दिया मैंने, ठीक है। चार को उठाओगे, चार का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? एक से कटेगा ही कटेगा, चार से भी कट जाएगा आपका, ये बिल्कुल कट जाएगा, और किससे कटेगा आपका? ये दो से भी कट जाएगा आपका, दो के टेबल में भी कट जाएगा। तो एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, तो दो से अधिक फैक्टर, यानी कि मोर देन टू फैक्टर आ गया ना आपका। तो मोर देन टू फैक्टर आ गया तो आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। एक एग्जांपल और ले देता हूँ, ये 12 वाला, 12 किससे किससे कटेगा आपका? एक से तो कटेगा, हर एक संख्या एक से कटता है और खुद की संख्या से। कोई सा भी नंबर ले लो, एक से कटेगा और खुद की संख्या से आपका कटेगा ही कटेगा, आपका भाग तो चला ही जाएगा, आपका डिवाइड तो हो ही जाएगा पूरा पूरा। और इससे किससे कटेगा? दो से भी कट जाएगा आपका, और किससे कटेगा भाऊ? और आपका चार से भी कट, चार तीन 12 होता है, टेबल टेबल पढ़ो, टेबल के फॉर्म में। और कौन सा टेबल होता है आपका? 6 × 12, 6 के टेबल में भी आता है बस। तो कितना हो गया आपका? 1, 2, 3, 4, 5, दो से अधिक फैक्टर है तो आपका क्या? कंपोजिट नंबर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो समझ लिया ना। तो प्राइम नंबर क्या होता है आपका? मैंने आपको बता दिया प्राइम नंबर क्या होता है आपका, सिर्फ दो फैक्टर होना चाहिए, एक से कटे और खुद की संख्या से कटे। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर, यानी दो से अधिक फैक्टर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यही पर आपका जो कॉन्सेप्ट होगा फंडामेंटल तो थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कंपोजिट नंबर पर ही आपका बेस्ड है। यहाँ पर लिखा है कंपोजिट नंबर ना आपका, ठीक है। तो मैंने दो कंपोजिट नंबर 96 और 404 लिया है। अब इसको हम
प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिखेंगे, उसी को बोलेंगे हम क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको काटना, ध्यान रखना ये जो आपको प्राइम नंबर है इसको प्राइम नंबर में तोड़ना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर में तोड़ना है, कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में तोड़ना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटना 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ऐसे काटना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको 96 को एग्जांपल ले लिया मैंने, दो से काटते हैं, दो से काटोगे कितनी बार में जाएगा प्राइम फर्टिलाइजर का, उसका दो से काटोगे आपका 2 × 8 ठीक है, फिर 48 बार में जाएगा आपका, फिर से दो से काटोगे बाबू कितने जाएगा आपका 2 × 4 = 24 बार में जाएगा, फिर से दो से काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका ये 12 बार में जाएगा, फिर से आपका दो से काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका ये आपका शायद 6 बार में जाएगा, हाँ फिर से दो से काटोगे कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा आपका ये, फिर से 3 से काटोगे कितनी बार में जाएगा 1 बार में जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है आपका 1, 2, 3, 4, 5 तो 2 कितनी बार आपका 5, तो इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान रखना इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे 2 का पावर 5 जितना आप रिपीट करेंगे उतना पावर लगाएंगे, ठीक है। 3 कितनी बार आपका 1 बार है, तो 1 बार पावर लिखो या ना लिखो बाबू एक ही बात होता है आपका, पावर इसको लिखो या ना लिखो एक ही बात होता है आपका, ठीक है ना। ओके तो 96 को हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में, ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, 3 आएगा पहले 3 और 2 ना मत लिखना गलत हो जाएगा, जैसे कि ऐसे इसको मत लिख देना, देखो ये ऐसे इसको लिखेगा 2 का पावर 5 × 3 का पावर 1 तो ये आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही होता है प्राइम फैक्टर। ऐसे मत लिखना कभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मत लिखना 3 फिर 2 का पावर 5 ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, पहले छोटा नंबर होना चाहिए प्राइम फैक्टर उसका, उसका उसके बाद बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। ओके तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमेशा, ठीक है। ओके तो उल्टा मत लिखना है, 3 × डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पर हो गया, आप 404 को लिखते हैं, 404 को लिखते हैं, इसको भी 2 से काटते हैं, 2 से कट जाएगा आपका, 2 से आपका ये कितनी बार में 20 यानी कि 202 बार में जाएगा, फिर से 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका ये 101 बार में जाएगा आपका। अब 101 आपका खुद एक प्राइम नंबर है, तो 101 आपका 101 बार में जाएगा आपका, ठीक है। ओके अब यहाँ पर 2 कितनी बार है आपका, 2 2 बार है, तो 2 का पावर 2 जितनी बार रिपीट करेगा नंबर उसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। 101 कितनी बार में आपका, 1 बार में, 101 आपका कितनी बार में आपका, 1 बार में है। तो 404 का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम हो गया आपका, ठीक है। तो देखो 2 का पावर 2 है फिर इंटू 101 है, हमें पहले 2 आपका छोटा नंबर है उसके बाद बड़ा नंबर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये आपका सही है आपका, ठीक है। ओके तो समझ गए होगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, कोई सभी कंपोजिट नंबर को उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, हर एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में लिखना है, साथ ही साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, साथ ही साथ इसको पावर के फॉर्म में उसको लिखना है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। इसमें हम एचसीएफ निकालते हैं और क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, दोनों निकालते हैं, एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालते हैं। एचसीएफ मैं आपको समझाता हूं, सबसे पहले एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो भी आपका 2 नंबर है कंपोजिट 96 और 404, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन वाला फैक्टर देखेंगे सबसे पहले, सिर्फ कॉमन वाला, ठीक है। तो कॉमन इसमें क्या है आपका, 2 और 2 आपका कॉमन है, तो इसमें जो आपका मिनिमम पावर है वो देखेंगे, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 5, ये 2 का पावर 2 मिनिमम पावर आपका कॉमन का, ठीक है। तो 2 का पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ में आपको मिनिमम कॉमन पावर देखेंगे फैक्टर का, ठीक है। और जो कॉमन नहीं होगा इसमें देखो कॉमन ये आपका 3 और 101 कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है इसको हम हटा देते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉमन वाला फैक्टर लिखेंगे और उसका मिनिमम पावर लिखेंगे, ठीक है। वही आपका एचसीएफ होता है। तो 2 का पावर 2 कितना होगा आपका, 2 का पावर 2 आपका कितना होगा आपका, 4 हो गया, ये आपका 4 इसका क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ ऑफ 96 और 404 का कितना होगा आपका, 4 निकल के आएगा, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो फैक्टर कॉमन है उसको तो कॉमन वाला तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसका मैक्सिमम पावर लेंगे, इसमें मिनिमम पावर ले रहे थे, अब इसमें मैक्सिमम पावर लेंगे, 2 का पावर 5 क्या आपका कॉमन का मैक्सिमम पावर आपका। और जो नंबर आपका बच रहा है जैसे 3 और 10 आपका कॉमन नहीं है, तो इसको उतार देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, क्या कर देंगे उतार देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 3 और 101 इसको उतार दिया मैंने। ओके अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 5 कितना हो गया आपका 32 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू 101 हो गया आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे आपका, ये आपका आएगा 9696 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। ओके तो एचसीएफ का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो फैक्टर कॉमन होगा आपका उसका मिनिमम पावर सिर्फ लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। एलसीएम में मैंने आपको बताया जो फैक्टर होगा उसका मैक्सिमम पावर लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो का तो उतार देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आएगा, सिंपल सा आपका लॉजिक है आपका, ठीक है ना।
ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसी से रिलेटेड, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट आपका एक नंबर का एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो देखो नोट आपका क्या, आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज ऑल्सो नोन एज द यूनिक या प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, यूनिक बोलते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। दूसरा पॉइंट क्या आपका, एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, जो एलसीएम आपका एचसीएफ से आपका ज्यादा निकलता है, आपका ज्यादा होता है आपका। देखो एचसीएफ आपका 4 निकल गया, एलसीएम आपका 9696 आपका निकल, तो एलसीएम आपका बड़ा है एचसीएफ से, तो एलसीएम हमेशा आपका बड़ा होता है आपका एचसीएफ से, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट देखो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ द एलसीएम, जो आपका एचसीएफ होता है आपका वो हमेशा फैक्टर होता है किसका, एलसीएम का आपका, ठीक है, सही बात है आपका। देखो यहाँ ओके समझ गया ना आपका, सिंपल सा लॉजिक आपका, देखो 2 का पावर 2 आपका 2 का पावर 5 के अंदर है, यानी कि जो एचसीएफ है एलसीएम के अंदर आपका फैक्टर मिलेगा आपको, हमेशा मिलेगा, तो वही आपका एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ द एलसीएम, लेकिन रिवर्स आर नॉट पॉसिबल, यानी कि एलसीएम इज नॉट फैक्टर ऑफ द एचसीएफ, उल्टा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एलसीएम का जो 2 का पावर 5 फैक्टर है और एचसीएफ का 2 का पावर 2 फैक्टर है आपका, तो 2 का पावर 5 आपका 2 का पावर 2 के अंदर है क्या, नहीं है आपका, ये 2 का पावर 5 बड़ा है आपका, 2 का पावर 2 छोटा है, तो एलसीएम इज नॉट फैक्टर ऑफ द एचसीएफ, ठीक है, उल्टा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे हो सकता है एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ द एलसीएम, क्योंकि आपका 2 का पावर 2 आपका 2 का पावर 5 के अंदर आपका है, तो एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ द एलसीएम, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। चौथा पॉइंट का आपका, एचसीएफ अगर जो 1 हो जाएगा, अगर जो एचसीएफ किसी भी नंबर का 1 है तो आपका क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा का आपका प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, इस तो मैंने आपको बता दिया। छठवा क्या, कंपोजिट नंबर क्या, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। एचसीएफ क्या होता है आपका, एचसीएफ क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट पावर ओनली कॉमन वाला, एचसीएफ तो मैंने निकालना बता दिया, जो स्मॉलेस्ट पावर फैक्टर का लेंगे वो लेंगे, जो आपका कॉमन नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, वही चीज मैंने लिखा है। एलसीएम में क्या, ग्रेटेस्ट पावर वाला कॉमन लेंगे, जो भी फैक्टर होगा आपका ग्रेटेस्ट वाला लेंगे कॉमन, ठीक है, उसका पावर का, जो कॉमन नहीं होगा ठीक है उसको मल्टीप्लाई करके उतार देंगे, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर 9वां और 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 9वां और 10वां। अब 9वां और 10वां पॉइंट, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना आपको, यानी कि एचसीएफ 2 नंबर का, एलसीएम 2 नंबर का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, दोनों नंबर के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 10वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ जो 3 नंबर आपका, एलसीएम का जो 3 नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कभी भी आपका तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आता है आपका, ये ध्यान रखना आपको। इतना ही आपको कॉन्सेप्ट था आपका, एक्सरसाइज 1.1 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो एक्सरसाइज 1.1 हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये वाला एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपका क्या है, कंसीडर द 4 का पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर वैल्यू n विच 4 का पावर n nth विद डिजिट 0, यानी कि 4 का पावर n है उसको हमको चेक करना है, उसका एंड क्या, डिजिट 0 आपका आ सकता है क्या, यानी कि लास्ट डिजिट जो आपका 4 का पावर n 0 आ सकता है क्या, n आपका क्या, नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 5 6 का आपका आता है काउंटिंग नंबर, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कर आपका, गिवन दे रखा नंबर क्या, 4 का पावर n, ठीक है, तो इसको प्राइम 4 को क्या प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 का पावर n, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, वेयर n आपका क्या है, काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5, जो गिन सके उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। सिंस वी नो डैट फॉर एनी नंबर्स, जितना भी आपका नंबर होता है उसका एंड एंड डिजिट 0, जो उसका एंड डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट 0 कब होता है, इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 और 5, तो जितना भी आपका नंबर है आपका, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट इसका जो एंड है वो 0 कब होता है आपका, जब उसमें मल्टीपल 2 और 5 का फैक्टर हो, जैसे कि आपका देखो, जैसे कि आपका यहाँ पर देखो एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ, देखो जैसे कि आपका 10 है, आपका 10 में आपका 2 और 5 का फैक्टर है ना आपका, तो आपका इसका एंड इसका लास्ट डिजिट आपका 0 हो सकता है मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। जैसे कि 20 है आपका, ठीक है, क्या 2 और 5 का फैक्टर, 2 × 2 × 5, तो 2 और 5 का फैक्टर है आपका, तो ये भी आपका 20 आपका क्या है, लास्ट डिजिट 0 हो सकता है आपका, 2 और 5 का फैक्टर आपका दिखना चाहिए लास्ट डिजिट उसका 0 होने के लिए आपका, ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये तो हम, तो यहाँ पर देखो आपका, यहाँ पर है क्या 2 × 2 है, तो 2 तो फैक्टर है लेकिन 5 आपका नहीं है, तो 4 का पावर n आपका लास्ट डिजिट 0 कभी हो ही नहीं सकता आपको, ऐसे स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो सिंस, तो देयरफॉर 4 का पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल यानी कि फैक्टर कितना आपका 2 है ओनली, बट नॉट 5, मल्टीपल को फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, नॉट 5, हेंस 4 का पावर n विल नेवर एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर के लिए आपका, समझ में आ गया ना आपका, ऐसे ही आपको लिखना है हर एक
क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो हमारा क्या था, 4 का पावर n था, आपको चेक करना था इसका जो एंड है उसका लास्ट डिजिट आपका जो 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आपका इसका फैक्टर 2 और 2 है, 2 और 5 का होना चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे वेयर n आपका क्या नेचुरल नंबर आपका, सिंस वी नो डेट फॉर एनी नंबर्स टू एंड डिजिट 0, ठीक है, इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, ये लिखना है आपको। देयर फोर 4 का पावर n इज मल्टीपल ऑफ ओनली 2 नॉट 5, हेंस 4 का पावर n विल नेवर एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको। ऐसे आपको स्टेटमेंट आपको लिख कर आना है, तो कोई सा भी आपका आ जाए बाबू, कोई सा भी आ जाए, कोई सा का मतलब क्या आपका, देखो जैसे कोई सा भी आ जाए आपका 2 आ जाए, 2 का पावर n आ जाए, 3 का पावर n आ जाए, 4 का पावर n आ जाए, 5 का पावर n आ जाए, 6 का पावर n आ जाए, 7 का पावर n आ जाए, ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है। इसमें आपका कोई सा भी आपका 2 और 5 का फैक्टर नहीं बनेगा, आपका तोड़ोगे तो आपका नहीं बनेगा, बनेगा कौन सा ये मैं आपको, 10 का पावर n आ जाए तब आपका बनेगा, 2 इंटू 5 का फैक्टर आपका बन जाएगा, ठीक है। 20 आ जाए तो उसमें भी बनेगा आपका 2 इंटू, ठीक है, 5, तो 2 और 5 का फैक्टर आपको बन गया ना आपका, तो 2 और 5 का फैक्टर बनना चाहिए। तो 10 और 20 वाला आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 10-20 का पावर n आपका, ठीक है, ये आपका आया हुआ है। तो 10 और 20 आएगा तो ऐसे 2 और 5 के फैक्टर में तोड़ देंगे, 20 आएगा तो 2-2-2-1-5 के फैक्टर में तोड़ देंगे, और स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहां तक तो आपका सेम ही रहेगा। आपको यहां पर लिख दें जो भी आपको अगर 10 का पावर n होगा तो 10 का पावर n इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, हेंस 4 का पावर n एंड्स विद डिजिट 0, नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में लिख देना बस आपको, ठीक है। पहला सवाल हो गया, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, क्या कह रहा है आपका, उसको पढ़ते हैं, देखो इसमें पढ़ते हैं आपका क्या कह रहा है आपका, एग्जाम्पल नंबर 2 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि 6 और 20 को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो 6 को प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे किससे, 2 और काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे आपका 1, प्राइम नंबर में काटना है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर में नंबर को काटना है, कंपोजिट नंबर को, ठीक है। अब 20 को किससे काटोगे, 2 से काटोगे, सबसे छोटी संख्या से काटना है, ध्यान रखना, ये आपका कितने बार में 10 बार में गया आपका, फिर 2 से काटोगे आपका कितनी बार में गया आपका, 2 से काटोगे आपका 5 बार में गया आपका, 5 बार में, फिर आपका 5 आपका सिर्फ एक बार में कटेगा, 5 एक बार में आपका कटेगा, बिल्कुल कट गया आपका। ऐसे 2 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3, 2 कितनी बार है यहाँ पर आपका, 2 बार है, तो 2 का पावर 2 होगा, जितनी बार रिपीट करेगा पावर के फॉर्म में लिख दो, 5 कितनी बार आपका, 1 बार है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, 2 के बाद 3 आता है, 2 के बाद 5 आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो एचसीएफ क्या बताया मैंने आपको, इसका जो कॉमन होगा उसका मिनिमम पावर होगा 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 लिख सकते हो ना, तो 2 का पावर 1 आपका मिनिमम पावर आपका, यही आपका आंसर होगा, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2 हो गया आपका। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगा कॉमन वाला फैक्टर का वो, तो 2 का पावर 2 आपका मैक्सिमम है, ठीक है, और जो कॉमन नहीं होगा उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देंगे, ये कॉमन नहीं है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देंगे 3 एंड 5, तो कितना आ गया आपका, यहाँ पर आपका आ गया, देखो 2 का पावर 2 आपका कितना होगा आपका 4 इंटू, ये आपका 15 हो गया, तो 15 चौको कितना होगा आपका 60, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 बताता हूँ, अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, फाइंड द एचसीएफ 96404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम भी आपको निकालना है, दोनों निकालना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका 96 और 404 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है इसका, ये तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट पे ही बता दिया, तीसरा वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट प्रायः जो वही आपका क्वेश्चन था आपका, ठीक है, मैंने बना के दे दिया था, ठीक है ना, ओके, तो देख लेना कॉन्सेप्ट में ही आपका 3 हो गया। 4 वाला करते हैं, 4 वाला कहाँ पर आपका, तीसरा वाला मैंने करा दिया था पहले ही, अब चौथा वाला करते हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालना है 6, 72, 120 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 6 कहाँ, 6, 72, 120 का आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, ठीक है। तो 6 यहाँ पर लिख देते हैं, 6, 72 और 120, ठीक है, इसका सबका निकालना है, ठीक है। तो 2 से काटोगे 3 बार में जाएगा, फिर 3 से काटोगे 1 बार में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इसको काटोगे आपका कितनी बार में, 36 बार में जाएगा आपका, इसको काटोगे 2 से फिर से आपका 18 बार में जाएगा, इसको 2 से काटोगे 9 बार में जाएगा, 3 से काटना पड़ेगा आपको 3, फिर 3 से काटोगे 1 बार में जाएगा आपका, फिर आपका 2 से काटोगे कितनी बार में आपका जाएगा, 60 बार में जाएगा आपका, फिर 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका, 30 बार में जाएगा आपका ये, फिर 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका ये, 15 बार में जाएगा आपका ये, ठीक है। फिर आपका ये कितने, 3 से कटेगा, 3×5=15 होता है, बिल्कुल होता है, फिर 5 से कट जाएगा आपका, बिल्कुल कट जाएगा आपका, ठीक है। सब इसको लिख दो, 2×3 लिख सकते हो, 2×3, 72 को क्या लिख सकते हो, 1, 2, 3, कितनी बार रिपीट किया, 2, 3, तो 3 का पावर में, 3 कितनी बार रिपीट किया है,
दो बार, तो 3 का पावर 2। यहाँ पर 120, दो कितने बार रिपीट किया, 1, 2, 3, तो 2 का पावर 3, ठीक है। 3 कितने बार रिपीट किया, 3 और 5 रिपीट ही नहीं किया, तो 3 × 5 ऐसे लिख दूँ। अब यहाँ तक, अब यहाँ पर देखो एससीएफ निकालते हैं। एससीएफ मैंने आपको क्या बताया, जो कॉमन होगा, जो कॉमन आपका क्या है, दो दो आपका सब में, आपका सब में होना चाहिए कॉमन, ध्यान रखना, कोई दो में नहीं होना चाहिए, 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन हो जाए, 2 और 2 और 2 फैक्टर आपका कॉमन है, ठीक है। तो इसका मिनिमम पावर देखेंगे, तो 2 का पावर 3 आपका, 2 का पावर 3 आपका, 2 का पावर 1 है, तो इसका मिनिमम पावर क्या है, 2 का पावर 1 है आपका, 2 का पावर 1 है, और क्या कॉमन है आपका, 3 आपका सब फैक्टर में आपका कॉमन है आपका, ठीक है। तो मिनिमम पावर क्या आपका, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 आपका क्या, आपका कॉमन है आपका। 5 आपका कॉमन है, इसको हटा देंगे इसमें, ठीक है। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आपका आएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 6, तो 6 इसका क्या आएगा आपका, एससीएफ आपका आ गया, ठीक है। ओके, एलसीएम निकालते हैं, इसका मैक्सिमम पावर देखेंगे। मैंने आपको बताया ना, 2 का पावर 3 आपका मैक्सिमम है, 2 का पावर 3 आपका मैक्सिमम पावर आपका, 3 का पावर 2 आपका मैक्सिमम पावर आपका, 3 का पावर 2 आपका मैक्सिमम पावर आपका। ये नंबर बच रहा है, कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतारते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 का पावर 3 आपका 8 हो गया, और ये आपका 3 का पावर 2 आपका 9 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, आपका 5 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना है। 0 आपको देखो मल्टीप्लाई में करना है, 8 × 5 = 40, तो 40 × कितना हो गया आपका 9, तो 9 × 4 = 36, 360, ऐसे स्मार्ट वर्क आपको करना होता है मल्टीप्लाई, देख लो कहाँ पर आपका 0 बन रहा है, तो 8 और 5 का मल्टीप्लाई आपका 0 बन रहा है, 8 × 5 = 40, तो 0 का मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, 4 और 9 का मल्टीप्लाई 36, और 0 उतार दो यानी कि 336, ठीक है। तो एलसीएम 336 आ गया, एससीएफ आपका 6 आ गया आपका। तो एग्जांपल सारा हो गया आपका, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जितना भी आपका ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, उसको आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में बताना है आपको, ठीक है। ओके, तो 5 क्वेश्चन, तो यही 5 क्वेश्चन आपका। पहले 140 का निकालते हैं, 140 का निकालते हैं, 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 70 बार में जाएगा आपका। फिर 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका, ये 2 से काटोगे आपका 35 बार में जाएगा आपका। फिर आपका 5 से काटोगे आपका 7 बार में जाएगा आपका। फिर आपका 7 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, 1 बार में जाएगा आपका, हो गया ना आपका, ठीक है। तब इसको लिख सकते हो आपका 140 को प्रोडक्ट पर, 2 कितनी बार आपका, 2 बार है आपका, तो 2 का पावर 2 × 5 और 7 1 बार है, तो 5 × 7 ऐसे लिख दो। यही आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, इसी में आपको लिखना है, ठीक है। यही होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 156 के लिखो, 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, ये आपका 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, ये 78 बार में जाएगा आपका। फिर से 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका, 39 बार में जाएगा आपका। फिर आपका ये 3 से काटेगा 13 बार में जाएगा। फिर आपका 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 से काट दो 1 बार में, ठीक। फिर 156 को लेके 2 कितनी बार आपका, 2 बार में, तो 2 का पावर 2, 3 और 13 एक बार है, तो 3 और 13 1 बार लिख दो, ये आपका आंसर होगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में हो गया। 38 25 को किससे काटोगे आपका, सीधा आपका 3 से कटेगा आपका, 3 से कटेगा आपका, ठीक है। कैसे 3 से काटते हैं, सबको जोड़ दो, अगर जो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो 3 से कट जाएगा। 3 और 8 जोड़ोगे कितना होगा आपका, 3 8 जोड़ोगे आपका 11, 11 2 आपका कितना होगा आपका 13, 13 8 13 5 कितना होगा 18, तो 18 3 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि 3 से कट जाएगा। तो ऐसे ही देखते हैं, तो 3 से काटोगे 1200 कितना आएगा आपका, 75 आएगा, 1275 आएगा आपका। फिर आपका किससे कटेगा आपका, 3 से ही कटेगा आपका, 3 से कटेगा 425 आएगा आपको, काटने आता है ना आपको। फिर उसके बाद 5 से कटेगा आपका 85 बार में जाएगा, 85 बार में जाएगा, डिवाइड करोगे तो आपका 85 बार में जाएगा आपका। फिर भी आप, फिर आपसे फिर 5 से कटेगा 17 बार में जाएगा आपका ये। अब फिर 17 आपका खुद एक प्राइम नंबर आपका, 1 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा आपका, 1 बार में जाएगा। फिर इसको लेकर 3 कितनी बार आपका, 2 बार है, तो 3 का पावर 2 × 5 कितनी बार आपका, 2 बार, तो 5 का पावर 2 × 17 1 बार में, तो 17 1 बार लिख दो, आंसर हो गया आपका। ओके, 5005 है आपका, इसको लिखना है आपको, ठीक है। ये आपका 5 से कटेगा, सीधा आपका 5 से कटेगा आपका, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 5 है आपका। 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1001 आएगा आपका। अब 5 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है आपका, 7 आता है, तो 7 से देखो कट रहा है क्या, नहीं कटेगा तो अगला प्राइम नंबर से देखेंगे, ठीक है। 7 से काटोगे बिल्कुल कट जाएगा, 143, 7 से भाग करोगे तो 143 बार में जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये किससे कट रहा है आपका, 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है आपका, 11 आता है, तो 11 से कट रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं कटेगा तो 13 से काटना पड़ेगा उसका अगले वाले प्राइम नंबर से, ठीक है। इसको काटोगे 13 बार में जाएगा आपका, ठीक है। फिर 13 भी आपका एक खुद प्राइम नंबर है, तो 1 ही बार में जाएगा आपका। 5 7 11 13 रिपीट नहीं कर रहा, तो इसको ऐसे लिखो 5 7 11 और 13, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान रखना हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम फैक्टर को लिखना है, 5 7 11 13,
छोटे से बड़े तक आपको लिखना है नंबर, आपको ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7429 को काटते हैं, ये कितनी बार में जाएगा आपका, 17 बार में जाएगा, डायरेक्ट आपको 17 से ही कटेगा आपका, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। 437 बार में जाएगा, 437 बार में जाएगा आपका ये, और ये आपका फिर से 19 किससे कटेगा, 19 से कटेगा अगले वाले प्राइम नंबर से, इस आएगा आपका, ठीक है। ये आपका कितना आएगा आपका, ये 23 आएगा आपका, फिर 23 से ही आपका कटेगा प्राइम नंबर आपका, 23 से आपका एक बार में गया आपका, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या होगा आपका 17, 19 और 23, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो पांचों का हो गया ना आपका। अगला सवाल देखते हैं, सवाल दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है, ठीक है, और वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, कितना पार्ट है आपका, तीन पार्ट है आपका, पहले एलसीएम निकालना है फिर एचसीएफ निकालना है, ये फॉर्मूले को वेरीफाई करना है जो मैंने आपको बताया, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट ऑफ इनिंग मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर के बराबर होता है आपका, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर टू आपका क्या कह रहा है, 2691 दे रखा है, इसका एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं पहले, ठीक है। तो 2 से काटोगे 13 बार में जाएगा आपका, बिल्कुल जाएगा आपका, फिर आपका कितनी बार में, 13 एक खुद प्राइम नंबर है, 13 से ही कटेगा आपका, एक बार में कटेगा आपका। अब 91 आपका सीधे 7 से कटेगा आपका प्राइम नंबर, 13 7 91, ठीक है, 13 बार में जाएगा आपका, ये 13 खुद प्राइम नंबर है, 13 आपका एक बार में जाएगा आपका, ठीक है, ओके। तो 26 को क्या ले सकते हो, 2 × 13 ले सकते हो, 2 × 13 ले सकते हो, 91 को क्या ले सकते हो, 7 × 13 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है उसका मिनिमम पावर, कॉमन है ना, तो इसका मिनिमम मैक्सिमम एक ही होगा, क्योंकि इसका पावर एक ही है आपका, ठीक है, सेम पावर है, तो सेम पावर में मिनिमम मैक्सिमम एक ही होता है, 13 इसका क्या होगा, कॉमन हो गया आपका, ये आंसर हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होगा तो लेंगे, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम पावर आपका एक ही हो जाएगा आपका, क्योंकि पावर सेम है आपका, तो 13 तो कॉमन ही आएगा, 2 और 7 कॉमन नहीं है, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देंगे, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना इसका आंसर आएगा आपका, ये सॉल्व करोगे तो आपका ये आपका आएगा 182, ठीक है। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, देखो एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया, अब इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे, ध्यान दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दोनों को आपस में बराबर करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम हमने कितना निकाला है 182, एचसीएफ कितना निकाला है 13, दोनों को मल्टीप्लाई करो 2366 आ पाया जाएगा, ठीक है। और आरएचएस लोगो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन, ठीक है, दोनों नंबर क्या आपका जो गिवन है आपको 2691 है, तो 2691 को मल्टीप्लाई करोगे आपका 2366 आएगा, तो वो एक मल्टीप्लाई कोई करना, दूसरा ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करके लिख लेना, दोनों मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, या तो इसको कर लो या तो दोनों बराबर रखना ना, तो कोई एक बढ़िया से करना है, सही से करना है तभी आपका सही आएगा, ठीक है, सही से कोई एक करना है, दूसरा आपका डायरेक्ट लिख देना आपका हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आपका वेरीफाई हो गया, ऐसे ही आपको करना हर एक क्वेश्चन में आपको, ठीक है, वेरीफाई वाला क्वेश्चन। तो ये हो गया अगला सवाल, देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है आपका, इसका सेकंड वाला पार्ट, 510 और 92 का निकालते हैं, सबसे पहले एचसीएफ पहले से फिर वेरीफाई करते हैं। तो 510 आपका दो बार में कटेगा आपका, कितनी बार में जाएगा आपका, 255 बार में, 255 बार में, ठीक है। फिर 3 से काटोगे आपका, ठीक है, 85 बार में जाएगा, फिर आपका 5 से काटोगे आपका 17 बार में जाएगा, फिर 17 एक खुद प्राइम नंबर है, 17 से ही कट जाएगा आपका एक बार में, ठीक है। तो 92 को काटो, 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा, 2 से काटोगे आपका 46 बार में जाएगा, फिर 2 से काटोगे आपका 23 बार में जाएगा, 23 एक खुद प्राइम नंबर है, 23 से कटेगा आपका एक बार में जाएगा आपका, ठीक है। देख लेते हैं, 2 3 5 17 आया, 2 3 5 17 रिपीट नहीं कर रहा, इसको लिख लो 2 3 5 और 17, ठीक है, 2 3 5 17। 92 2 का पावर 2 और 23 आया है, 2 का पावर 2 इंटू 23 आएगा आपका, ठीक है। एचसीएफ क्या हो गया आपका, जो कॉमन होगा वो लेंगे, तो 2 और 2 सिर्फ कॉमन है, बाकी कुछ नहीं कॉमन है, उसको छोड़ दो। इसका मिनिमम पावर क्या है आपका, 2 का पावर 2, यानी कि 1 ही हो, 2 ही हो गया आपका इसका आंसर। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होगा उसका मैक्सिमम पावर लेंगे, 2 का पावर 2 का आपका मैक्सिमम है, 2 का पावर 2 हो गया, इंटू कितना हो गया आपका, ये सब कॉमन नहीं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो जो को, तो 3 5 17 × 23 भी आपको उतारना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पूरा आपको, डायरेक्ट मैं आपको लिख रहा हूँ कितना आएगा आप, 23 23 460 आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, आप एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इतना आएगा आपका। अब इसको वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन में क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड लेना आपको सबसे पहले, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम हमारा आएगा इतना 23 460 और एचसीएफ आया 2, इसको मल्टीप्लाई करो 46 920 आपका आएगा, ठीक है। आरएचएस में दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 510 और 92 नंबर था, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, यही वाला नंबर सेम उतार दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आपको,
कोई एक आपको मल्टीप्लाई कर दूसरा आपको डायरेक्ट उठा दो, तो दोनों आपस में बराबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा, हेंस वेरीफाई लिख देंगे, आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। अब हम तीसरा वाला पार्ट स्टार्ट कर, तीसरा वाला पार्ट देखो 336 और 54 का निकालना आपको। 336 को तोड़ दो, ऐसे ही तोड़ दिया है मैंने, ठीक है, और 54 को ऐसे ही तोड़ देंगे हम। तो 336 को लिखें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में 2 का पावर 4, 2 कितनी बार आपका 4 बार में, 3 कितनी बार 1 बार में, 7 कितनी बार आपका 1 बार, ऐसे लिख दिया। 54 को क्या 2 1 बार में, 3 का पावर आपका कितना 3 आपका, ठीक है, तो 3 हमने लिख दिया, पावर के फॉर्म में रिपीट कर रहा है ना। तो एससीएम निकालेंगे, कॉमन आपका क्या 2 और 2 कॉमन है, इसका मिनिमम पावर क्या है आपका 2 आपका, 3 और 3 कॉमन है, मिनिमम पावर क्या आपका 3 का पावर 1 है, यानी 3 2 3 6 आपका इसका आंसर आ गया। एलसीएम में कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कॉमन पावर देखेंगे, 2 का पावर 4 आपका मैक्सिमम है, कॉमन आपका 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 आपका मैक्सिमम है, 7 आपका कॉमन है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दोगे, मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना 3024 आपका आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। वेरीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम इंटू एससीएम, मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम कितना आ गया 3024 आ गया आपका, और एससीएम कितना आपका 6 आता है, इसको मल्टीप्लाई करो 18144 आएगा। फिर आरएचएस में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपका होता है, आपका दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, 336 और 54 को मल्टीप्लाई करोगे आपका, डायरेक्ट यही लिख लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका वेरीफाई हो चुका आपका, ठीक है, ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका हो गया आपका पूरा पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना, आपको एलसीएम और एससीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में से 3 नंबर दे रखा है आपका, ठीक है, तो निकालते हैं, बहुत सिंपल आपका ये भी, ठीक। देखो पहले आपको 12, 15, 21 का निकालते हैं, 12 को क्या ले सकते हैं हम, 12 को ले सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, ठीक है, प्राइम फैक्टर में डायरेक्ट मैं आपको लिख रहा हूँ, ऐसे करके आप खास के ले सकते हो, ठीक है ना। तो 15 को क्या ले सकते हो, 15 को 3 इंटू क्या ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ठीक है। 21 को क्या ले सकते हो, 3 इंटू 7 ले सकते हो, डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है। कॉमन क्या है, सब का मतलब कॉमन क्या है, 3 3 आपका कॉमन है, सब में आपका कॉमन है आपका, ठीक है, और पावर सब में सेम है, तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही हो गया, 3 आपका इसका आंसर हो गया, और कोई कॉमन है छोड़ देंगे, ठीक है। एलसीएम में जो कॉमन होगा वही लेंगे, तो पावर आपका सेम है, तो मैक्सिमम मिनिमम एक ही हो गया आपका, 3 इसका क्या हो गया, कॉमन हो गया आपका, ठीक है ना। और क्या आपका 2 का पावर 2 आपका है, उसको उतार दो, जो नहीं है कॉमन उसको उतार, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 उतार दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए मैंने स्मार्ट वर्क बताया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 5 कितना हो गया आपका 20, ये कितना हो गया आपका ये 20, ऐसे स्मार्ट वर्क आपको करना है मन में, 3 2 6, ठीक है, यानी कि 60 हो गया आपका, और 60 यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करोगे 7 6 42, 1 0 उतार दोगे 420, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, 420 इसका आ गया। सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं, 17 23 29, खुद एक प्राइम नंबर है, 17 23 29 खुद एक प्राइम नंबर, तो इसके 1 × 17 से लिख सकते हो, 1 से कटेगा 17 से कटेगा, 1 × 23 से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 1 × 29 ले सकते हो, तीनों एक प्राइम नंबर है, एक फैक्टर हो गया, खुद की संख्या से कटेगा, यही मैंने आपको बताया। तो एससीएफ आपका कितना है, जो कॉमन होगा वही लेते हैं आपको, तो कॉमन आपका कुछ नहीं है आपका, तो एक आपका देखो सब में कॉमन है, तो एक लिख दो, देखो सब में एक है ना आपका, एक लिख दो। एलसीएम में आपका क्या, आपका जो कॉमन होगा एक आपका कॉमन है आपका हुआ, जो कॉमन नहीं होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो, 17 23 29, इसका मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा आपका ये 11 3 3 9 इसका आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपका एक प्राइम नंबर दिया हो और उसका एससीएफ निकालना हो, ठीक है, तो एससीएफ हमेशा 1 आता है, और एलसीएम में क्या करना, उस प्राइम नंबर को पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, तो ठीक है, जब एससीएफ 1 आता है तो ये तीनों नंबर क्या हो गया आपका, को प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, जब एससीएफ 1 निकल के आता है तो नंबर आपका क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, ऐसे एक सवाल पूछ सकता है, ठीक है, ओके। अब 8 9 25 का निकालना, तीसरा वाला पार्ट है, 8 को क्या ले सकते हो, 2 को पावर 3 ले सकते हो, और 9 को क्या ले सकते हो, 3 का पावर 2 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, 25 को क्या ले सकते हो, 25 को 5 का पावर 2 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अब इसमें कॉमन है क्या आपका, कॉमन कुछ नहीं है आपका, कॉमन नहीं है तो इसको ऐसे ले सकते हो, 1 × 2 का पावर 3 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 1 × 3 का पावर 2 ले सकते हो, ले सकते हो, 5 को क्या ले सकते हो 5 का पावर 2 को 1 × 5 का पावर 2 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो कॉमन क्या होगा आपका, एक एक आपका कॉमन होता है आपका, ठीक है, एक आपका कॉमन होगा। एलसीएम क्या होगा, एक तो होगा ही होगा, जो कॉमन नहीं है इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दिया, तो यहाँ इसका 8 × 2 का पावर 3 आपका कितना, आपका 8, फिर 3 का पावर 2 आपका कितना 9, 5 का पावर 2 आपका कितना 25, हो गया, सॉल्व हो गया आपका, बन गया आपका, और इसको सॉल्व करोगे आपका कितना हो गया आपका, ये आपका 1800 आपका आ जाएगा, 1800 इसका आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो एक और चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ये और इस वाले क्वेश्चन में आपको, ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर का ही आपका एससीएफ 1 निकल के आए, कंपोजिट नंबर 8 9 25 कंपोजिट नंबर है ना आपका, तो भी एससीएफ 1 निकल के ही आया है, ठीक है,
तो प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो, अगर जो एस सी एफ एक निकल के आएगा तो आपका वो को प्राइम होता है। तो एस सी एफ एक आपका प्राइम नंबर का भी निकल के आ सकता है और कंपोजिट नंबर का भी निकल के आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना, दोनों निकल के आ सकता है, ठीक है ना। ओके, ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल देखो क्या कह रहा है, गिवन डेट एस सी एफ 306 और दो नंबर का एस सी एफ 9 दे रखा है, फाइंड द दो नंबर का एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। तो ऐसे वाले सवाल में ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है आपको, गिवन एस सी एफ दोनों नंबर का कितना 9 दे रखा है, वी नो डेट एस सी एफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया। तो एस सी एफ दो नंबर का कितना देखा 9, तो एस सी एफ की वैल्यू कितना आएगा आपका 9 इंटू एलसीएम का आपको वैल्यू निकालना है, एलसीएम का ये दोनों का, ठीक है, एलसीएम को निकालना है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये जो ब्रैकेट के अंदर वही दो नंबर है आपका, ठीक है, 306 इंटू 657, तो एलसीएम आपको निकलने जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब इसको 9 से काटोगे आपका 677 बार में जाएगा आपका, और कितना आ जाएगा आपका ये 306 इंटू 73, ठीक है, ये आपका आ गया एलसीएम। तो एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया बाबू, एलसीएम का वैल्यू आ गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही 22338 आपका आएगा, 22338 आएगा आपका, ये आपका आंसर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो आपका एग्जांपल मैंने आपको कराया 4n वाला, तो यहाँ पर 6n आपको चेक करना है, उसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर n तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 और 5 का फैक्टर होगा ही नहीं आपका। 6n को क्या लिख सकते हो, 2 × 3n लिख सकते हो, तो n वही जो स्टेटमेंट वही लिखना है जो मैंने आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जाम्पल वाला। तो वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर आपका, वी नो दैट द फॉलोइंग नंबर्स टू एंड्स डिजिट 0 इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 और 5, 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, तो देयरफॉर 6n इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3 बट नॉट 5, हेंस 6n विल नेवर एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो 6n का सिर्फ 2 और 3 फैक्टर आपका, 5 फैक्टर आपका नहीं है, इसलिए 6n आपका लास्ट डिजिट यानी कि उसका एंड 0 नहीं हो सकता, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर आपका 1 ही आपका था, 4n था, तो 6n आपका डायरेक्ट आपको ऐसे लिख देना आपको, जैसे मैंने आपको बताया, हो गया, ये भी वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन करते हैं, 6 वाला क्या है आपका, इसको करते हैं 6 वाला, देखो क्या कह रहा है आपका, आपको एक्सप्लेन करना है 7 × 11 × 13 + 13, दूसरा वाला ये नंबर दे रखा है कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए बाबू, यही मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, छोटा नंबर में लिख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो पहला पार्ट आपका क्या है, इसको छोटे नंबर में लिखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करें, या तो पूरा मल्टीप्लाई करको इसको कर लो, या तो इसको कॉमन निकालो, ऐसे वाले क्वेश्चन में कॉमन निकालो, 13 और 13 दोनों में, तो 13 13 आपका क्या आएगा कॉमन, ऐसे सवाल में कॉमन हमेशा निकाल लो, तो 7 11 बचा 7 बचा और इंटू 11 बचा, और इसमें से कॉमन निकाल लिया तो आपका कितना बचा आपका 13 ही आपका, 1 बचा आपका, और इसमें से कॉमन निकाल लिया कितना बचा आपका 1 बचा आपका, सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा देखो 13 × 7 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे कितना 77 आएगा, प्लस 1 जोड़ोगे आपका 78 आएगा आपका, तो देखो 78 को क्या लिख सकते हो, 13 13 6 78 13 × 6 लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 से अधिक आपका फैक्टर आपको दिखाया जा रहा है आपका, देखो 13 आपका 1 से कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 6 आपका 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, यानी कि 2 से अधिक आपका फैक्टर आपको दिख भी रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस द गिवन एक्सप्रेशन हैज द मोर देन 2 फैक्टर्स इट्स कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर, क्योंकि आपका 2 से अधिक आपका फैक्टर आपको दिख ही रहा है आपको, क्योंकि आपका ये जो आपका पूरा नंबर जो आपका है ये 1 से कटेगा, खुद की संख्या से तो कटेगा ही कटेगा, ये जो पूरा नंबर आपका सिंपल सा आपका लॉजिक है, ये जो पूरा आपका है ये आपका 1 से कट जाएगा आपका, और खुद की संख्या से क्या आपका जो भी आपका ये आएगा पूरा ये आपका खुद की संख्या से कट जाएगा, इट सेल्फ यानी कि खुद की संख्या से आपका कटेगा, साथ ही साथ आपका 13 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर हो गया, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हो गया, तो आपका एक क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया, ऐसे आपको समझना है आपको, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट भी ऐसे आपको करना है, सेकंड वाले पार्ट में देखो 7 6 इसमें कॉमन ले लो, सबसे पहले 5 और 5 क्या ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो कॉमन ले लिया तो 5 हमारा कॉमन आ गया, ठीक है, 7 6 बचा 7 बचा इंटू 6 बचा इंटू 5 कॉमन ले लिया तो 1 बचा आपका, इंटू 4 बचा इंटू 3 बचा इंटू 2 बचा इंटू 1 बचा,
यहाँ पर कॉमन लिया तो प्लस एक बचा आपका, प्लस एक बचा, ये आपको ध्यान रखना है। 7, 6, 4, 3, 2 का मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो कितना आएगा, 5 × 1008 प्लस 1 भी है ध्यान रखना, प्लस 1 भी आपका, तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, 5 × 1009। ठीक है, तो ये जो नंबर आपका, ये जो नंबर आपका एक से कटेगा, खुद की संख्या से कटेगा, दो फैक्टर हो गया, 5 से भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो 2 से अधिक फैक्टर हो गया, तो गिवन एक्सप्रेशन आई था मोर देन 2 फैक्टर लिखेंगे, इट इज द कंपोजिट नंबर, इसका जो स्टेटमेंट होगा यही पर यहाँ पर इसके नीचे जस्ट लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका इसका जो फैक्टर आपका एक से कटेगा, खुद की संख्या से ये नंबर कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, इतना से भी कट रहा है, यानी 2 से अधिक फैक्टर आपका होगा। ठीक है, ऐसे लॉजिक सोचेंगे। ठीक है, 6 वाला होगा, 7 वाला करते हैं। अब देखो 7 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, तो एक सर्कुलर पाथ आपका स्पोर्ट फूड फील्ड का आपका सर्कुलर टाइप का आपका, सोनिया टेक 80 मिनट टू ड्राइव द 1 राउंड ऑन द फील्ड, तो सोनिया नाम की लड़की 18 मिनट टाइम ले रहा है उस फील्ड को एक चक्कर लगाने में। ठीक है, जो रवि नाम का एक और लड़का 12 मिनट ले रहा है सेम टाइम, ठीक है, एक राउंड सेम लगाने के लिए 12 मिनट ले रहा है, सपोज दे बोथ आर द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बी दे मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऐसे वाले वर्ड वाले क्वेश्चन में आपको आपको क्या करना है, ध्यान से देखो आपको। अब देखो रियल नंबर आपका जो वर्ड वाला जो प्रॉब्लम है आपका, वर्ड प्रॉब्लम इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो अगर जो क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम ग्रेटेस्ट का बात करेगा तो क्या निकालेंगे हम, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट का बात करेगा तो क्या निकालेंगे, एस सी एफ निकालेंगे। ठीक है, अगर जो लोवेस्ट का बात करें यानी कि मिनिमम का बात करें तो क्या निकालेंगे हम, एल सी एम निकालते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, अगर जो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं दिया है, नंबर आपका बड़ा दिया है, ठीक है, बड़ा नंबर दिया है उसके अंदर, ठीक है, बड़ा नंबर दिया तो भी हम क्या निकालेंगे, एससीएम निकालेंगे। अगर छोटा नंबर जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे फैक्टर में दिया, छोटा नंबर दिया है तो हम क्या निकालेंगे, तो भी हम एलसीएम निकालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैक्सिमम लिखा तो एससीएम निकालेंगे, मिनिमम लिखा होगा तो एलसीएम निकालेंगे। अगर जो आपका ये दोनों नहीं लिखा है आपको, अब नंबर आपका बहुत बड़ा मल्टीपल के फॉर्म में दे रखा है तो एससीएम निकालेंगे, और छोटा नंबर दे रखा है तो एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर आपको देखो 18 और 12 छोटा नंबर दे रखा है, ठीक है, बड़ा नंबर का मतलब क्या होगा, 200 से अधिक नंबर हो, जैसे कि 300, 350, 480, ठीक है, 880 ऐसे मल्टीपल के फॉर्म में जो, तो बड़ा नंबर हो गया आपका, एससीएम निकालते हैं। और आपका अगर जो कुछ इन दोनों में आपका कुछ भी ना समझ में आए और बोल दे आपका मीटिंग पॉइंट बोले, इस क्वेश्चन में बोला मीटिंग पॉइंट, तो हम क्या उसमें निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना, अब इस सवाल में देखो क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर एक सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया नाम की लड़की ये सर्कुलर पाथ है ना आपका, सर्कुलर फील्ड आपका, सोनिया दौड़ना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में देखो इस डायरेक्शन में, फिर यहीं पर आकर रुक गए, तो एक राउंड चक्कर लगाया कितना, 18 मिनट में, तो इसने कितना कंप्लीट किया, 18 मिनट में। ठीक है, तो 18 मिनट में इसने एक राउंड कंप्लीट किया। रवि नाम का एक लड़का है, ये एक राउंड कितना मिनट में, 18 मिनट में लगा। रवि नाम का लड़का सेम पॉइंट पर, सेम डायरेक्शन में, सेम पॉइंट मतलब इसी पॉइंट पर जहाँ सोनिया से दौड़ रही है उसी पॉइंट पर दौड़ रहा है, और सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है ये भी, इसी डायरेक्शन में ये भी दौड़ रहा है, और कितना टाइम ले रहा है आपका, ये कितना टाइम ले रहा है आपका रवि, इससे कम समय ले रहा है, 12 मिनट में ले रहा है। ठीक है, सवाल आपका क्या पूछा है, 12 मिनट में ले, ये 18 मिनट में ले रहा है, सवाल आपका ये पूछा है ऐसा कौन सा समय है आपका ये दोनों एक ही साथ मिल जाए, तो ऐसा एक समय आएगा दोनों सोनिया और रवि एक ही पॉइंट मिल जाएंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, एससीएम निकाल देते हैं, एलसीएम दोनों ही निकाल के चले जाते हैं, गलत हो जाएगा, तो 18 को देखो एससीएम एलसीएम पहले निकाल के बता दो, गलत निकालता फिर उसको सही बताता हूं मैं आपको। ठीक है, इसको क्या ले सकते हो, 2 × 3 × क्या ले सकते हो, 3 ले सकते हो, बिल्कुल, इसको क्या ले सकते हो, 2 × 2 × क्या ले सकते हो, 3 ले सकते हो, टाइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया। अब एससीएम निकालते हैं, एससीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है वही होता है, 2 और 2 क्या आपका इसमें कॉमन है, लिख लिया कॉमन, 3 और 3 क्या आपका ये कॉमन है, 3 और 3 कॉमन आपका, तो 3 हम लिख सकते हैं, तो कितना, 3 × 2 = 6, तो एससीएम कितना आ गया बाबू, 6 आ गया, ध्यान रखना। और एलसीएम आपका कितना आ गया, 18 और 12 आपका है, ठीक, एलसीएम क्या, और एलसीएम क्या, 2 और 3 आपका कॉमन तो है ही आपका, 2 और 3,
और तीन और दो आपका उतार देंगे क्योंकि तीन और दो उतार देंगे क्योंकि कॉमन। तो 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में यहाँ पर इसी पॉइंट पर मिल जाएंगे, ठीक है। क्यों मिल जाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। एक बार बताओ, इन दोनों का पॉइंट है ना आपका, मिलने का समय आपका है तो 6 मिनट में थोड़ी मिलेंगे एक दूसरे से, क्योंकि आपका सांझिया जो है 18 मिनट ले रहा है एक चक्कर को पूरा कंप्लीट करने के लिए, रवि 12 मिनट ले रहा है इस चक्कर को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों मिलाकर 6 मिनट में इससे कम समय थोड़ी नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता ना। तो एस सी एफ आपका गलत, 6 मिनट में थोड़ी नहीं कंप्लीट करेगा दोनों, इससे ज्यादा ही तो होगा आपका। एक राउंड का आपका 18 तो दूसरा राउंड का कितना, ऐसे भी समझ सकते हो तो एक राउंड का 18 दूसरा राउंड का 36 हो गया, तीसरा का क्या होगा आपका 54 होगा, 54 हो गया पहला राउंड का आपका, ये सेकंड राउंड का आपका, ये थर्ड राउंड का आपका। हाँ आ रहे हैं। अब वैसे रवि आपका 12 मिनट ले रहा है, दूसरा क्या 12 मिनट 24, तीसरा क्या 36। तो देखो यहाँ पर मिलाप हो गया ना आपका, दोनों मिल जाएगा ना, जो भी आपका कॉमन होगा दोनों मिल जाएगा 36 मिनट में एक दूसरे से आपका मिल जाएंगे उसी पॉइंट पर आपका। तो एलसीएम एससीएम निकालो आपका गलत होगा क्योंकि 6 मिनट आ रहा है आपका, 6 मिनट में दोनों थोड़े मिल जाएगा क्योंकि टाइम आपका नीचे टाइम इसका कम आ जा रहा है, 18-12 से कम आ जा रहा है। तो एससीएम नहीं निकालते, एलसीएम निकालते हैं। और मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी आपका मीटिंग पॉइंट आए तो आपको एलसीएम ही निकालते हैं, ओके। तो पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, पीडीएफ जाकर डाउनलोड करना। ओके, थैंक यू।